तो दोस्तों, अगर आप कोटक बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आप पेमेंट रिसीव करने के लिए या तो अपना अकाउंट नंबर देते होंगे या फिर अपनी UPI ID देते होंगे। दोस्तों, अब एक नया फीचर आ चुका है कोटक बैंक एप्लीकेशन से, आप अपना QR दिखाकर भी पेमेंट ले सकते हो। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने कोटक बैंक का QR कोड कैसे निकाल सकते हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ दोस्तों, पहले बार चैनल पर भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले कोटक बैंक एप्लीकेशन में आ जाते हैं। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है, आपको लॉगिन कर लेना कोटक बैंक में। तो दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करते हो, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ देखिए, आपसे क्विक एक्सेस में आपको वहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो वहाँ देखिए, पे एंड ट्रांसफर में आपको यहाँ पर स्कैन एंड पे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है, उसके नीचे देखिए सी मोर का ऑप्शन होगा, वहाँ सिंपली वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस बार क्लिक करते हो, वहाँ आपको सर्च कर लेना है, कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्कैन एंड पे का। दोस्तों, हाँ देखिए, आपका स्कैन खुल चुका है। यहाँ से आप कोई भी बार कोड से स्कैन कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो किसी को भी, किसी मर्चेंट को। ऊपर देखिए, कोने पे आपको एक बार कोड से बना हुआ, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब वहाँ पे क्लिक करते हो, देखिए इस तरह का आपको आपका बार कोड आपको देखो मिल जाता है, QR स्कैनर, जो कि आप किसी को शो करोगे उससे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, या आपका पर्सनल बार कोड है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे देखिए, वहाँ पर आपको नाम, आपको UPI ID देखो मिल जाती है। वहाँ नीचे देखिए, एक डाउनलोड का ऑप्शन देखो मिल जाता है, और एक शेयर QR, जिससे आप अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे किसी भी शेयर कर सकते हो, वहाँ से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छे लगे प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, जितना हो सके शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को ऐसी और मजेदार वीडियोज़ के लिए।